अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कड़ी में सरोल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां शोभा यात्रा निकाली गई तो वहीं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी शक्ति माता मंदिर परिसर सरोल में लोगों को दिखाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की वेशभूषा में सजे बच्चे रहे। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों को शक्ति माता मंदिर परिसर सरोल में प्रसाद का वितरण करने के साथ साथ भंडारा भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संस्थाओं की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के अन्य धर्म के अनुयायियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। बड़ा खुशी का दिन है कि जो करोड़ों हिंदुओं ने 500 साल पुराना जो सपना देखा था आज उसको पूर्ण होते हम आज देख रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज जिला चंबा में हर पंचायत में जो है ये प्रोग्राम किया गया। हर पंचायत में जहां मंदिर थे वहां पे LCD लगा करके पंचायत वाइज प्रोग्राम किया गया और उसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत सरोल में जो साओ खंड में आता है उसमें यह कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे लगभग 1000 की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितनी भीड़ है लोगों में। आज आपको दिख रही है कि राम के प्रति कितनी श्रद्धा है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारा 500 साल पुराना सपना था आज को साकार किया। मैं मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज पूरे भारत के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक अलग प्रकार का भक्तिमय वातावरण है जिसमें हर जन, हर व्यक्ति जो है वो उसका आनंद ले रहा है, उसमें डूबा हुआ है। इसी संदर्भ में हमारे शक्ति माता मंदिर सरोल में भी हमने गत एक सप्ताह से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें प्रतिदिन कीर्तन, उसके बाद हनुमान चालीसा, कल हमारे यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ था। उसके अतिरिक्त आज यहाँ पर हमारे भंडारे का आयोजन भी होगा, संगत प्रवचन सभी कुछ यहाँ पे होगा। एक अलग प्रकार का उत्साह सारे समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों को हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और पूरे समाज को आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देती हूँ।